अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? वेलकम बैक टू डे मैंने वीडियो। तो कैसे आज मैं जाने वाली हूँ मॉर्निंग ग्रुप पे। टाइम 5:30 हो गए हैं, तो मैं चलता हूँ। तो मैं सुबह नमाज पढ़ने से चलते हैं मॉर्निंग ग्रुप पे। तो मैं तैयार तो बस निकल चुका हूँ। ये पानी की बोतल मैंने साथ ले लिया, तो निकलते हैं जाना। यहाँ से हम पहले एसटी ग्राउंड जाते हैं, एसटी ग्राउंड से फिर एसटी ग्राउंड के फिर हम चक्कर लगा के वापस घर आ जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5:31 और ग्राउंड भी एक एसटी ग्राउंड भी अब आने वाला है। और मैंने कहा कि यार दिखा दूँ कितनी शांति है, स्मूथ और हवा मेरे हवा भी चल रही है। मैंने कहा कितनी शांति है भाई। मैं ना घर से सोच के निकला था कि भाई मैं उधर जाऊँगा, बड़ी गर्मी होनी है यार। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, माशाल्लाह सुकून मिल रहा है। तो चलो आ गया वो पीछे गया मेरे, तो चलो चलो वाले। तो गाइस मैं ना इस वाले पार्क से वापस आ गया था, क्योंकि ना यहाँ पर ना जॉगिंग ट्रैक नहीं बना हुआ। मैंने कहा ऐसी मेरी ऐसी जॉगिंग हो रही है तो ऐसी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्क में, क्योंकि 7 बजे हमने घर जाना, तो हम दूसरे पार्क चलते हैं। तो चलो दूसरे पार्क चलते हैं, मैं मॉर्निंग वॉक का व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलो उधर। तो मैं जो ग्राउंड कर रहा था ना, वो ना काफ़ी दूर है, तो मैं घर से जगा भाई कितनी देर तक है। फिर हाँ भी मुझे मिले थे, तो कहते यार ये कोई है 10-11 किलोमीटर, देखो कोई पार नहीं यार यहाँ। तो फिर इतना ही दूर है तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से मूव मार्केट चलते हैं और फिर पैदल मूव मार्केट से। तो चलो पहले पहले बाहर तक हो जाते हैं, यहाँ से अहमद बर्गर से निकल। तो भाई मेरा जो प्लान है ना वो फिर से चेंज हो गया, क्योंकि ना अगर ये लोग मम्मा ने देख लिया ना या पापा ने, दोनों में से किसी ने भी देख लिया होंगे, हाँ तू अकेला मूव मार्केट गया, क्योंकि मूव मार्केट काफ़ी दूर है, उनका ही डर है बस। तो मुझे पता है ना, मैं उसी ग्राउंड में चलता हूँ भाई, ये दूर भी नहीं है ना इतना करीब है ना काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर चल लेते हैं। क्योंकि मूव मार्केट ना काफ़ी दूर है हमारे घर से ना, अगर मैं पैदल जाऊँगा ना मैं वापस ना 8 बजे आऊँगा। तो सांस चढ़ गया मेरे ना, बोतल ना मेरे से गिर गई, मेरा प्यास की शिद्दत बड़ी ज़ोरों से लग रही है। तो चलो सफ़र कर लेते हैं, जो अल्लाह ताला ने लिखा था वही होना था। तो चलो चलो हाँ वो रहा वही होगा, थोड़ा सा आ गया मैं आपको वो वाला वो रहा पार्क। और यार आपका भाई ये बैक कैमरा से मैं बना रहा हूँ, बैक से भी मुझे मैं बैक से बनाता हूँ ज़्यादातर तो, लेकिन आज मैं फ्रेंड मैंने कहा यार फ्रेंड से बना के चेक करते हैं कैसे होता है। भाई सब हवा का ना लेवल ही कुछ अलग हुआ है, काफ़ी मज़ेदार सी हवा चल रही है, काफ़ी मज़ेदार। तो अब पार्क डायरेक्ट पार्क पहुँच के भी दिखा मिलता हूँ। तो भाई पार्क तो मिल गया था, लेकिन इधर आंटियाँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा यार नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी की वहाँ लोगों में तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा यार ये साफ साफ रोड है तो हम इधर ही वॉक कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा रोड है ये मुझे पता है, ये ना सीधा चुपुर जी की तरफ जाता है, चुपुर जी काफ़ी करीब है। मैंने कहा ठीक है यार पैदल तो जा, वो भी करनी है जितना चक्कर इसके लिए अंदर एक्स्ट्रा चल रहे थे। चलो ना काफ़ी बड़ा था, डिवाइड हुआ हुआ है ना मस्जिद है काफ़ी बड़ी, तो इस वजह से ना आधा पार घुसा था आधा पार घुसा था, तो ना मुझे फिल्टर दिखा तो पानी यहाँ से पी लेते या तो अंदर मशीन में जाके मशीन में ना होता है हम पानी फिल्टर से पी लेते हैं। फिर थोड़े से वहाँ पर ना बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ पर चाट पे, तो वहाँ पर झूले भी हैं, तो वहाँ पर हम चल के ना एक्सरसाइज भी कर लेंगे, तो पानी पीते हैं फिर हम चलेंगे।
पानी पी के चल गया वापस। भाई पानी तो पी लिया, पानी माशाल्लाह सुभान अल्लाह था। और अब मैं चल चुका हूँ अपने मकसद पे। यहाँ से हम पार्क से होते होते थोड़ी सी एक्सरसाइज करके फिर हम सीधा जाएंगे चुबुर जी, ठीक है। चुबुर जी का आया मैं, यही हमारा ब्लॉग कंटेंट ढूंढना था। मैं इससे सीखे भाई, मॉर्निंग वॉक पे निकला बंदा चुबुर जी तक जाके कहता ये हमारा कंटेंट था। क्या बात है, ये होता कंटेंट है भाई। जल्दी में बंदा बैठा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल गया था वैसा में, जिनको बच्चा समझ रहा था ना वो सीरियसली बुढ़े से अंकल थे सीरियसली। मेरे को ऐसे धक से हो गया ना कसम से। तो चुबुर जी आने वाला है, बस थोड़ी सी दूर आ गया। ये वाली साइड भी निकलती है चुबुर जी के लिए और ये वाली भी। माशाल्लाह बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं आपस में, तीन है डर के बहुत घूमने लगी है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो भाई साहब मॉर्निंग वॉक का तो आज मज़ा ही आ गया, बंदा एक तो फ्रेश हो जाता और एनर्जेटिक हो जाता और पावर भी आ जाती है। हर जाके ना दो गिलास या एक गिलास दूध का पिएंगे बादाम डाल के, मज़ा आ जाना फिर तो मज़ा आ जाना। पानी पिया ना उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिली है, अल्लाह का शुक्र है फिट रखा हुआ। तो बाद में मिलता है भाई साहब, भूल गया था कसम से। और मैंने यहाँ पर बाइक भी चलाई हुई है, अपनी बाइक चलाई हुई है, खालू की बाइक चलाई हुई है, कज़न की बाइक चलाई हुई है। मैं रास्ता भूल गया था, अब तो याद है रास्ते। यहाँ पर गाड़ियों का काम होता है पीछे और यहाँ से हम जाएंगे इस गली से, यहाँ से हम चुबुर जी पहुँचेंगे, पहुँचने वाले हैं बस। और टाइम भी 6:45 हुआ, अभी 6:45 हुए और पूरा पूरा अभी 1 घंटा पड़ा है। भाई आपका हार नहीं मानेगा, मॉर्निंग वॉक का तो भाई यही मज़ा आता है। देखो इतनी सुनसान गली है, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ इस गली में आते हैं, ये चुबुर जी यहाँ से मेरे ख्याल से इस वाले लाइन से ना शुरू होने वाला है। तो माशाल्लाह मेरी गाड़ी ना, मुझे जो पसंद गाड़ी है ना रिवो, फॉर्चुनर, रेंज रोवर, ऐसी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। आप लोगों को बताओ आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती हैं। और भी सब्सक्राइब कर दिया करो मुनीर इकबाल वर्ल्ड को। माशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पर अब चिंचियों का शोर होगा। फाइनली वही चुबुर जी पहुँच चुके हैं, पीछे चुबुर जी का ये देखो, चुबुर जी का क्या कहते हैं वो पत्नी कौन सी लड़की थी, कौन सी लड़की कनीज थी जिस पर के लिए रानी ने ये बनाया। तो ये हमारे होते ना कैसे से मज़ा आ जाता, हमें बना के दे देते मज़ा आ जाता भाई। सारे मुझे आंसू देख रहे हैं, फिर पता नहीं क्या मैं पता नहीं रकेत बनी हूँ क्या बनी हूँ। ये भाई वाला ऐसे देख देख के जा रहे हैं, कोई अनोखी चीज़ मैंने हाथ में पकड़ी है, फ़ोन ही है यार सबके पास होते हैं। माशाल्लाह मतलब वो है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो है पीछे वो थाना पुलिस स्टेशन,
रहा पीछे, एरो नजर आ रहा होगा, वही स्टेशन है। और इस साइड क्या मंदिर होते हैं, यहाँ से हम अंदर हो जाएंगे, यहाँ से अंदर हो के ना फिर हम दोबारा घर की तरफ चलेंगे भाई। फिर थोड़ा सा थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पर, यहाँ पर हमें अंकल्स वगैरह मिले थे। ये ऑरेंज ट्रेन का फिर स्टेशन आ गया, देखते हमारा भाई ऑरेंज ट्रेन में बैठा है, लेकिन ना ब्लॉक किया था, लेकिन ना यार काफ़ी छोटा था ना, फिर ब्लॉगिंग हुआ था इसलिए मैंने ना डिलीट कर दिया। बाहर के मुल्कों में ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं, ऐसे ही बना होता भाई, और यहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं है। होटल और कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो वो कैसे जा रहे हैं ऐसे बाहर के मुल्क में ना, इसको ना बाहर के मुल्क में इस तरह ना किसी जानवर को भी नहीं रखते, जहाँ जैसे इधर इंसानों को रखा जाता है, और इंसान उसी तरीके से जानवरों को, सीरियसली जानवरों को रख रहे होते हैं। चलो भाई, ये ना अब स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पोर्ट्स की दुकानें आ गई हैं, तो ये सारी स्पोर्ट्स की दुकानें आ गई हैं, देखो ट्रॉफीज रखी हैं यहाँ पे भी, ट्रॉफीज ये भी सारी क्रिकेट की दुकानें हैं, स्पोर्ट्स की हैं, खाली क्रिकेट की नहीं है, स्पोर्ट्स की हैं भी, बड़ा अच्छा लगता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम असल में लेकर आएंगे ट्रॉफीज इंशाल्लाह, वजह वजह अल्लाह ताला से तो यही दुआ है कि हम सच में लेकर हैं। सारे आपको अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, जो माता सरात होते हैं, एक दिन आएगा हम भी इसी तरीके से सुबह सुबह उठेंगे और नमाज फजर पढ़ेंगे और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करके करके घर आएंगे, घर आके फिर हम खाना शाना खाएंगे सही से, फिर खाना खा के हम अपनी जॉब पे निकल जाएंगे यार, रेस्टोरेंट के लिए, ऐसे रेस्टोरेंट की जॉब के लिए, इस तरह जॉब के लिए चले जाया करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, लोगों ने का सपोर्ट होगा तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो वापस उसी जगह पे आ चुके हैं, और यार भाई बड़ा डरावना सा लगता है रात के टाइम में ना, कांपें टांग जाती हैं कांपें। बिलावल भुट्टो इधर तो आया था, इसलिए तो इसकी टांगें कांपें टांग गई थी, ऐसे ऐसे लड़ा था कांपें टांग जाती हैं। मैं बताऊंगा नहीं मैं किसके सपोर्ट करता हूँ, वरना ना मुझे उठा के लेके चला जाएगा, वो पुलिस वाले, समझ गए होंगे आप तो। अबे ये कहाँ गया, मैं अलग ही दुनिया में उतर आ गया, जल्दी से चलते हैं। जिस तरह से ये गंदा माहौल है ना, उस तरह बाहर का मुल्क नहीं है, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है दोस्त। बिल्ली के बच्चे थे यार, माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट में लिख दो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों से बातें भी कर लूँ और दिल में अल्लाह का कलाम भी पढ़ रहा हूँ, सॉरी यार वो ना उंगली आ जाती है। मैं कह रहा था कि आप लोगों से बातें भी कर रहा हूँ और मैं ना दिल में अल्लाह का कलाम भी पढ़ रहा हूँ।
यार वो बुढ़े बुढ़े से अंकल चले गए, इतनी सी आपने एक्सरसाइज करनी थी। मैं ना यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर कपड़े ना चोरी करके ले जाते हैं। चले गए सीरियसली अंकल, चलो हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। हम भी और बाहर आए, बाहर आए अंकल करेंगे है। अभी तो तू उधर से गया था, अभी फिर से आ गया, क्या करता है तू? हाय वैसा हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एकदम आत भी होती थी तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। कसम से ना ऐसा बंदा बैठा हो ना, कोई चेहरे ना सुकून। यहाँ पर ना बंदा योगा कर ले आराम से बैठ के आगे बैठ गए। वाह वाह भाई, ना आपके भाई के मुंह पे ना दाने निकल गए थे, ये भी अभी हैं। तो फिर भी यार आहिस्ता आहिस्ता ना गर्मी होने वाली है, होने लगी है। जैसे जैसे सूरज का वक्त बाहर सूरज निकलने वाला ना, वैसे वैसे मक्खियाँ भी तंग कर रही हैं और लोग भी, सूरज भी आने वाला तो करते हैं मिट्टी चौका संग खासन। चलो भाई हमें ना इधर ध्यान देना पड़ेगा। चलो भाई अंकल कर लेते हैं ये ऐसे ऐसे कर रहे थे अंकल। चलो करते हैं अभी तो। चलो भाई बहुत कर ली, मैं ना यहाँ पर लटक के देखता हूँ भाई, लटका जाता भी है या नहीं। यहाँ पर हाँ तो मजबूत कर लिया थ्री। यार यहाँ पर ना कैमरा रख लेते हैं, फिर लटक के देखते हैं। हाथों में जंग आ गया यार, और हाथ ना ये देखो लाल रेड रेड हो गया यार, लोया ना इस वजह से यार। उधर ना शरीर भी लगता है भाई, भागना पड़ेगा ऐसे ऐसे जोगिंग कर रहे हैं। सही होगा अगर सुकून लेना हो ना तो भाई यहाँ पर आ जाओ करो, दिल को बहुत सुकून मिलता है बहुत। लेकिन हम ना थोड़ी देर बाहर बैठते हैं फिर जय मस्जिद में जाएंगे। दिल की धड़कन ऐसे धक धक सा कर रही है, इतना पसीना आ गया। मशीन में जाते हैं पसीना सुखाते हैं यार, और कुरान मजीद पढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम कुरान मजीद ना पढ़ लें। मेरे बैग पे इतना प्यारा मंजर है ना, क्या बताऊँ। अब अंदर जा रहे हैं तो अंदर मशीन से अंदर ये देखो भी यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं फुल और कट मार के। अंदर ना मदरसा भी है माशाल्लाह, तो हम बैठ के कुरान भी पढ़ेंगे। तो चलो सैंडल उतारते हैं फिर जाने अंदर चलते हैं। सैंडल उतारनी है
और सैंडल रखते हैं, सैंडल वाले खाने में। ऊपर लोग बैठे हैं भाई, खाना खाना से माशाल्लाह वजू करते हैं। पहले ना पानी पी लेते हैं, ये रहा पानी। कन्या शास पहाड़ी से लग रहा था, ऐसा लग रहा था पानी मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऊपर मदरसा है तो यहाँ पर बैठ के पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी लिया, तो अब वजू करते हैं। वजू खाने में आया तो वजू करते हैं। ठंडा ठंडा पानी है यार, अल्हम्दुलिल्लाह वजू कर लिए। तो चलो अब ना प्यारा प्यारा सा बच्चा बन गया, मतलब के गोरा हो गया। तो यहाँ पर ना एक फ़ैन ऑन करते हैं, माशाल्लाह पंखे भी काफ़ी प्यारे प्यारे लगाए हुए हैं। यहाँ पर आके ना मेरी आवाज़ भी हल्की हो गई है। तो चलो मैं कुरान मजीद पढ़ लूँ फिर बाद। यार मैं ना यहाँ पर बैठा था, इतना सुकून मिल रहा है। कुरान मजीद भी पढ़ रही हूँ, कुरान मजीद भी पढ़ रही हूँ। तो ना मैंने कहा कि गाइस अपने लोगों अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूँ कि गाइस, तो यार मैंने यहाँ पर अपने पापा के साथ आया कर रहा था आज से कुछ 10 साल पहले। मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर आता था तो पापा की याद आ रही है यार। कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह पापा आ जाएंगे, बाहर के मुल्क से आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम उस रब का घर भी देखेंगे। तो भाई कुरान मजीद पढ़ लिया, सेटिस्फेक्शन आ गई। तो इधर ना मस्जिद में ना लेट गया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना सुकून मिलता है यार मस्जिद में लेट के ना, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है ना रमज़ान में ज़्यादा हमारे चलती है, क्योंकि ना भाई रमज़ान में ज़्यादा सारे सब लेट के फारिग हो चुका हूँ। तो ना मैं जा रहा हूँ,
काफ़ी अच्छा लगा भाई, काफ़ी मज़ा, सुकून मिल गया दिल को। ये सैंडल ले लिया, आप सैंडल पहन के बाहर जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर ना ऊपर तक फ्लोर है माशाल्लाह। सैंडल पहन के बाहर मिलते हैं। अल्लाह अकबर। तो वैसे नमा वो क्या मुझे पल्ली है तो मैं आपको मस्जिद दिखाती हूँ कितनी बड़ी है माशाल्लाह। तो वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट होती है, इसका दूसरा गेट है, दूसरा गेट इसका ये है, इसके टोटल 3-4 गेट है। अभी दूसरा गेट ख़त्म हुआ, चलो 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 सुबह हो भाई माशाल्लाह। जो अंकल गुजरे हैं ये मेरे नाना बू की तरह लगते हैं। मैं सरगोधे का व्लॉग बनाऊंगा तो वहाँ पर होगा। नहीं टोटल ना 3 या 2 है, इधर तो कोई दरवाज़ा नहीं है। अब मस्जिद ख़त्म हो गई लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें काफ़ी लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं और मेरे पापा मेरा भाई अक्सर ना नमाज जुम्मे की नमाज पढ़ने हम यहाँ पर आते थे। काफ़ी अच्छा लगता था, सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी और एनर्जी मिल जाती थी। मैंने ना कुरान मजीद पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुआ मांगी है, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। आप लोगों की भी दुआ है अल्लाह ताला कबूल करे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो। वैसा ये तो वॉकिंग व्लॉग ही बन गया सारा। चलो इसका पार्ट 2 रहेंगे, बाकी घर का होगा। उधर से क्या अच्छे जा रहे हैं रक्शे में, हम जा रहे हैं घर की। अब लोग ना नज़र आना शुरू हो गए, ये के मार्ट आ रहा है सारा कुछ आ रहा। अब लोग ना निकलना शुरू हो गए घर से, तो अब मैं घर जाके सीधा घर जाके मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़। घर की गली में आ गया हूँ, घर की गली में तो घर से पैसे पकड़ेंगे, बिस्किट या तो दही लेकर आएंगे, बिस्किट ले आएंगे या हल्का फुल्का सा करेंगे और एक दूध का गिलास भी लेंगे। पहले हम होंगे फ्रेश, सामान लेकर आने का वरना क्योंकि भैया पसीने काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन भैया 6 पैक्स आपके पैकेज बन गए हैं, 6 पैक बन जाएंगे इंशाल्लाह, पता नहीं कहाँ पर जाके बनेंगे माशाल्लाह। ज़्यादा पापा मुझे दिखा देना माशा, कुरान मुझे लगा हुआ है तर्जमे के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर से पहन देते हैं, इनको पता नहीं होता जाहिर लोगों को, क्योंकि गुजरने वाले भी होते हैं, कुछ नहीं होता कोई बात नहीं। हमने तो जैसे बिजली में रखी ना, बिजली का बच्ची है मैं तो यहाँ के साथ नहीं जा रहा। ओ ओ हो हो बड़ी मुझे तो डर ही लग रहा है, इसको छोड़ दो ये बड़ी हो जाएगी ना। हमारे ना पिछले घर में आई थी तितली, वो तितली गारो वो चिड़िया, 2 बच्चे थे, हमने उनको पाला था माशाल्लाह माशाल्लाह। सफाई वाले भी आ गए और घर की गली में, घर आ ही गया मेरा, चाबी से घर का गेट खोल, मम्मा से बातचीत करेंगे, फिर बिस्किट लेकर आएंगे, 30 रुपये पकूँगा बिस्किट, पकाएंगे स्पेशल बिस्किट, फिर हम नाश्ता करेंगे। भाई साहब आके ना मैंने अपना पर्स चेक किया भाई, उसमें तो भाई पैसे नहीं है मेरे को,
खा ली। तो ऐसा करते हैं दूध ही पी लेते हैं, क्या तो हम लेमन सोडा बनाते हैं। चलो लाइटर ना बंद कर देते हैं यार, ऐसे बिजली का बिल। लेमन 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 निकाल लिया तो ना लेके चलते हैं किचन में। चलो लेमन जूस बना के फिर मैं आपके से मिलता हूँ ना।